30 अप्रैल 2024 वार की यदि बात की जाए तो मंगलवार आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट के साथ घरेलू तिलहन के बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। जहां तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट का सवाल है तो केएलसी 101 रिंगट टूटकर 3814 के ऊपर बंद होती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ओर बात करें सी बोट की तो सी बोट 122 सेंट टूटकर 4316 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब यदि भारतीय बाजारों पर नजर डालें तो सरसों के बाजारों में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आवक में 2 लाख की वृद्धि, कल 7 लाख बैग की आवक थी, आज 9 लाख बैग की आवक है। बाजार 75 रुपए डाउन, 5375 के भाव, कच्ची घानी 100 से नीचे, 99.99, 50 खड़ में भी 10 रुपए टूटे क्योंकि 2 लाख बैग की आवक बढ़ी। 2440 के ऊपर खड़, 2540 के ऊपर खड़ कामकाज करती हुई नजर आई। भरतपुर मंडी के भाव की बात करें तो जब भरतपुर मंडी 55 रुपए टूटकर 4980 पर खुली, अभी 4950-60 के आसपास के भाव बताए जा रहे हैं। तो बड़ी गिरावट भरतपुर में भी देखने को मिली है, सीजन में पहली बार कहूं तो 5000 के नीचे कामकाज होता हुआ नजर आया है। वहीं दूसरी ओर और भावों की चर्चा करें तो गंगापुर सिटी 4985, हिंडोन सिटी 5025, वहीं बात करें हम भरत टोंक की तो टोंक 5000 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। निवई की यदि टोंक 5020 के बाजार रहते हुए नजर आए। निवई की यदि बात करें तो 5030-5020 के बाजार रहते हुए नजर आए। मालपुरा भी 5000 रुपए के ऊपर कामकाज होती हुई नजर आई। कोटा और बारा की बात की जाए तो 4950 रुपए के बाजार कोटा और बारा में भी बढ़ते हुए नजर आए। यदि खैरतड़ में बात की जाए तो खैरतड़ 5025, खेरली की बात की जाए तो 4985। वहीं दूसरी ओर बात की जाए अलवर की तो अलवर 5050 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। यदि हम बात करें जोधपुर सुमेरपुर की तो वहां पर भी 5100 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए, 42 कंडीशन। यही 40 लैब के भाव की बात की जाए तो 4850 रुपए पर। मेड़ता मंडी भी 4950 रुपए के ऊपर 40 कंडीशन लैब का कामकाज होता हुआ नजर आया। यदि गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो लैब प्लस 950-900, मोटा मोटी में 800-850 के आसपास एवरेज माल बिकता हुआ नजर आया। बीकानेर में भी कमोबेश यही स्थिति रही। मेल डिलीवरी के सौदों की बात की जाए तो 5125-5150 के ऊपर होते हुए नजर आए। यदि हरियाणा के बाजारों का रुख करें तो 5200, हरियाणा के बाजारों का यदि रुख करें तो दादरी 5200 रुपए, भिवानी 5150 रुपए, सिवानी 40 लैब 5100 रुपए, रेवाड़ी की बात की जाए 5100 रुपए के ऊपर कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाजारों का तो जहां अलीगढ़ 4650 रुपए, झांसी 4600 रुपए, मथुरा 4750 रुपए, इटावा हाथरस मैनपुरी इन सभी जगह की यदि बात की जाए तो सरसों के बाजार 4750 से लेके 4850 के आसपास 4750 से लेके 4800 के आसपास कामकाज होता हुआ नजर आया। यदि हम बात करें शामली की तो जहां पर मिल शामली और हापुड़ में मिल डिलीवरी के बाजारों की बात की जाए तो 5300 रुपए के ऊपर दिखी है, 5300-5350 रुपए के बाजार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करते मध्य प्रदेश के बाजारों का तो मध्य प्रदेश में मुरैना की जहां तक बात है तो मुरैना 4900 रुपए के ऊपर है, 41 लैब मेल डिलीवरी के सौदे होते नजर आए। भिंड भी 4950 रुपए के ऊपर सौदे होते हुए नजर आए। यदि हम बात करें ग्वालियर की ग्वालियर की यदि बात की जाए तो 4800 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। अशोकनगर की बात की जाए तो 4800 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। वहीं नीमच और मंदसौर की बात की जाए तो 4850 से लेकर 4900 रुपए तक ऊपर में माल बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति कमोबेश आज के दिन बाजारों में देखने को मिल रही है। बाजारों में गिरावट है और भरपूर गिरावट मंडती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ने भी आज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। वही गोयल कोटा 5125 रुपए के बाजार मंडते हुए नजर आए, 100 रुपए टूटकर खुली। अडानी में शायद नो बाइंग का मैसेज चला था एक बार, बाकी कोई आइडिया नहीं है। सलोनी जो सुबह जो खुला वो अलवर 5680, कोटा 5730, शमशाबाद 5780, दिगनेर 5790, मुरैना 5740, 10-20 रुपए 50 रुपए के आसपास ऐसा ही कामकाज सलोनी प्लांट में भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति आज के दिन बाजारों में देखने को मिली है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।